चलिए पुनः मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज S70 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, और जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी आपके पास क्वेश्चंस का अंबार होता जाएगा, और आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस आपके लिए कितने बहुमूल्यकारी साबित होने जा रहे हैं। आप लगातार करंट को, लगातार इन वीडियोस को जिस गति से और जिस मन से आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप रटते रहिए, बार बार अभ्यास करते रहिए। रिवीजन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको सफलता के सबसे नज़दीक ले जाता है। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, जितनी बार रटेंगे, उतने आपके दिमाग पे क्वेश्चंस रट जाएंगे और आपको फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो इस सीरीज में शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं वो यूपी संबंधित ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं और उनमें कन्फ्यूजन होता ही है, चाहे PCS 20 रहा हो, चाहे PCS 18-19 सब में आए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है और कितने जिलों से होकर जाता है? एक काम और करना, इन सभी एक्सप्रेस वे को आप घटना चक्र की जो आपके पास पुस्तक है उसको मैप से भी देख लेना। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई और कितने जिलों से होकर जाता है? तो आप याद रखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनना है उसकी लंबाई 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ टू गाजीपुर, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है। 6-लेन हाईवे है, 9 जिले इसमें शामिल हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में आ चुका है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सड़क किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो उनमें ऑप्शन में था, वो आपको करना है, आपको 9 जिले रट लेने हैं। अगला एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है और कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? मैंने इस वीडियो में सभी एक्सप्रेसवे दे दिए हैं ताकि आपको अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े और आप गलत ना भी करें। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर, 296.07 किलोमीटर, चूँकि लगभग 300 है लेकिन यूपी का भरोसा नहीं, आयोग अपना कितना मान आप जानते हैं, वो दे देगा 296, 297, 298, 299, ये तो ठीक है वो दे सकता है, 296.7, 98, 99.5, तो आपको एग्जैक्ट रखना है 296.07 किलोमीटर, 07 किलोमीटर, 7 जिलों से जाता है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, इन 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी स्टार्टिंग चित्रकूट के गोंडा गांव से, किस गांव से, गोंडा गांव चित्रकूट, और समाप्त कहां पर होगा, इटावा के कुड्रेल गांव में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है और कौन कौन जिलों से होकर जाएगा? तो आपको याद रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे दुनिया का संभवतः सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर, एग्जैक्ट 594, और इसके जो प्रारंभ है मेरठ जिले के बिजौली गांव से, कहां से, मेरठ के बिजौली गांव से, और समाप्त कहां पर होगा, प्रयागराज के जूड़ापुर दादो गांव में। जिले की अगर बात कर लें तो मेरठ, मेरठ के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद जाएगा बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब गलत नहीं करना, रट लेना इसको, एक बार देख भी लेना, प्रीमियंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। और जो चौथा एक्सप्रेसवे यूपी का बन चुका है, यमुना एक्सप्रेसवे या जिसे हम पहले ताज एक्सप्रेसवे कहते थे, उसकी लंबाई कितनी है और कितने जिलों से होकर जाता है? तो यमुना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बैकियर क्वेश्चन है। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165.537 किलोमीटर, 165.537 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा 6-लेन कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, और इसका जो स्टार्टिंग है वो गौतम बुद्ध नगर के परी चौक से आगरा के कुबेरपुर तक। तो कौन कौन से जिलों में जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा, ये इसके जिले हैं, इनको याद कर लीजिएगा, गलत नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत शासक के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत शासक के यहाँ अपने वैवाहिक संबंध प्रारंभ किए? तो सर्वप्रथम कछवाहा राजवंश में, किसमें, कछवाहा राजवंश में, 1562 में राजा बिहारी मल की पुत्री जगदुसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं, के साथ
अकबर ने विवाह किया राजा बिहारी मल के यहाँ। क्वेश्चन बनेगा किसके यहाँ, राजा बिहारी मल कब, 1562 में, किस डेंसिटी में, कछवाहा डेंसिटी में। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1906 ढाका, 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और इसके संस्थापक सदस्यों में नवाब वकार उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्ला खान शामिल थे, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नवाब सलीमुल्ला खान थे। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, गलत नहीं करना है। और 1908 में आकर के इसके अध्यक्ष आगा खां बनते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। गदर आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ, तो गदर आंदोलन आप जानते हैं, गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिए, टिक कर लीजिए, आता ही आता क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में प्रारंभ हुआ, और इसमें लाला हरदयाल की सर प्रमुख भूमिका थी, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन प्रारंभ किया। हाँ, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है कि गदर आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर होगा सोवन सिंह भाकना, संस्थापक अध्यक्ष सोवन सिंह भाकना, लेकिन स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने, और सोवन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और सोवन सिंह भाकना ने 1913 में युगांतर आश्रम की भी स्थापना की थी। याद रखिए, लाला हरदयाल, गदर मूवमेंट, सैन फ्रांसिस्को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार किसी भी एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता हुआ क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम से पूछा गया हुआ है कि संविधान के किस आर्टिकल में बच्चों के शोषण को रोकने संबंधी प्रावधान है, किसमें बच्चों के शोषण को बैन किया गया है, तो इसका आंसर आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इन वर्किंग फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 बच्चों के संरक्षण से संबंधित है, याद रखेंगे इस बात को, किसी भी कारखाने किसी भी फैक्ट्री आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, और ऐसा करना कानूनन अपराध है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का भाग 3 जो है उसमें आर्टिकल 24 में बच्चों से संबंधित आर्टिकल दिया हुआ है, और ये आर्टिकल आप मेरे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाले वीडियो से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक या मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकती, तो आप सब जानते हैं राज्यसभा मनी बिल के बारे में पावर लेस है, अधिकतम फाइनेंस बिल के बारे में 14 डेज 14 दिन तक रोक सकती, उसके अलावा राज्यसभा का कोई पावर नहीं है, उसके पहले पास कर दे तो ठीक, और अगर उसके बाद पास नहीं करती है तो 14 दिन के बाद उसे वापस भेजना ही पड़ता है, और अगर वो नहीं पास करी तो एज इट इज पास माना जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है, हृदय कब आराम करता, हार्ट आपका कम रेस्ट करता है, कभी नहीं करता है, या दो धड़कनों के बीच करता है, तो इसका आंसर होगा दो जो धड़कन होती हैं उनके बीच हृदय आराम करता है, आया हुआ क्वेश्चन टिक कर लीजिए। डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति के आंतरिक अंगों को परीक्षण के में उपयोग में लाया जाने वाला जो एंडोस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, जो भी इनर पार्ट्स को डॉक्टर देखते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन आता है परीक्षण किसके माध्यम से करते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो एंडोस्कोपी द्वारा, और एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, एंडोस्कोप किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखें इस बात को। धुरिया लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, तो धुरिया लोक नृत्य किस राज्य का है, तो धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, यूपी के बुंदेलखंड में धुरिया लोक नृत्य, बुंदेलखंड में ही दीवारी नृत्य प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड में ही पाईडंडा प्रसिद्ध है, और यूपी के ब्रज में प्रसिद्ध चरकुला नृत्य होता है, कौन सा, चरकुला नृत्य, वो भी आप याद रखेंगे। चलिए, सर्वाधिक लवणता किस सागर में है, सर्वाधिक साल्ट का परसेंटेज किस सागर में है, तो डेड सी में है, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सागर सी की बात कर रहे हैं, डेड सी, डेड सी इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन के बीच है, वैसे अगर आएगा ओवरऑल सर्वाधिक लवणता कहाँ है, तो टर्की की लेक वान झील में, सर्वाधिक लवणता वाला अगर सागर झील ना पूछे, वैसे पूछे नंबर एक पे, तो आप हमेशा करेंगे वान झील, टर्की की लेक वान, लेकिन अगर सागर की बात करेंगे तो डेड सी होगा। एक और क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, ये बैचलर क्वेश्चन है, तो इसका प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICER, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, के द्वारा होता है। और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कब और किसके द्वारा घोषित किया गया था, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम
कब स्टार्ट हुआ था तो आप जानते हैं 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य मोटो क्या था? गरीबी उन्मूलन व जीवन स्तर सुधार करना, गरीबी के स्तर को कम करना और लाइफ स्टैंडर्ड्स में रिफॉर्म करना। तो ये आपका S17 समाप्त। रटते रहिए इन क्वेश्चंस को, लिख लीजिए और शेयर करते रहिए, अपने दिमाग में कंठस्थ करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ये क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे। और ये ऐसे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हैं बच्चों, इनका पता आपको तभी लगेगा जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, गारंटी है इस बात की। और जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, रखते रहिए। धन्यवाद।